सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा ने क्यों अपना लिया था ईसाई धर्म। बाद में पछताए, गरीबी में कटे आखिरी दिन। सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा दलीप सिंह का ज्यादातर जीवन लंदन में निर्वासन में बीता। आखिरी दिनों में बहुत तंगी से गुजर रहे थे। पंजाब के आखिरी सिख महाराजा दलीप सिंह की कहानी दिलचस्प है। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य की नींव रखने वाली महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे और महारानी जीन कौर के इकलौते बेटे थे। पिता और भाइयों की मौत के बाद महज 5 साल की उम्र में साल 1843 में उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। हालांकि वह मुश्किल से 6 साल गद्दी पर रह पाए। साल 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा जमाया तो उनसे गद्दी छीन ली, उनकी माँ को कैद कर लिया, जबकि उन्हें लंदन निर्वासित कर दिया। महाराजा का बाकी का जीवन निर्वासन में ही गुजरा। ब्रिटेन आने के बाद महाराजा दलीप सिंह की क्वीन विक्टोरिया से करीबी बढ़ी। दोनों तमाम मौकों पर साथ नजर आने लगे। महारानी हर पार्टी में दलीप सिंह को अपने साथ ले जाती। तमाम इतिहासकार कहते हैं कि दोनों के बीच संबंध दोस्ती से कहीं आगे का था। महारानी विक्टोरिया ने एक जर्नल में महाराजा दलीप सिंह के लिए लिखा, उनकी आंखें और दांत बेहद खूबसूरत हैं। लंदन में महाराजा दलीप सिंह को आर्मी के डॉक्टर सर जॉन स्पेंसर और उनकी पत्नी की देखरेख में रखा गया। सर जॉन स्पेंसर और उनकी पत्नी को महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजी तौर तरीके सिखाने का जिम्मा सौंपा गया था। वो अक्सर महाराजा को बाइबल पढ़ने को देते। इसी दौर में उनकी ईसाई धर्म के प्रति दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लंदन में निर्वासन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत महाराजा दलीप सिंह को सालाना 25,000 यूरो भत्ता दिया करती थी। 19 साल की उम्र तक यही भत्ता जारी रहा, बाद में इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। लंदन में महाराजा दलीप सिंह ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर हो गए। वह आलीशान जिंदगी जीते थे। महाराजा ने साल 1864 में एक जर्मन बैंकर की बेटी बुम्बा मुलर से शादी की। दोनों ने एक आलीशान बंगला रहने को लिया। महाराजा दलीप सिंह और बम्बा मुलर के 6 बच्चे हुए। बम्बा के निधन के बाद महाराजा ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम अडा डगलस था। दूसरी शादी से 2 बच्चे हुए। महाराजा दलीप सिंह ने जब ईसाई धर्म स्वीकार किया तो खासा बवाल भी हुआ। बाद में उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हुआ और साल 1886 में उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर दोबारा सिख धर्म अपना लिया। ब्रिटेन में निर्वासन के दौरान महाराजा दलीप सिंह लगातार अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। 18 साल के हुए तो अपनी माँ को एक खत लिखा और उनसे लंदन आने का अनुरोध किया। हालांकि महाराजा की चिट्ठी अंग्रेजों के हाथ लग गई और उनकी माँ तक पहुंची ही नहीं। कई प्रयास के बाद महाराज ने खुद अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। बाद में अंग्रेजों को लगा कि अब उनकी माँ से साम्राज्य को कोई खतरा नहीं है तो जनवरी 1861 में कलकत्ता में माँ बेटे को मिलने की इजाजत दे दी। पेरिस में निधन, इंग्लैंड में दफनाए गए। साल 1893 में महाराजा दलीप सिंह का सिर्फ 55 साल की उम्र में निधन हो गया। उस वक्त वह पेरिस में थे और मुफलिसी के दौर से गुजर रहे थे। महाराजा दलीप सिंह लंदन निर्वासन के बाद सिर्फ 2 बार भारत आ पाए। पहला थोड़े अंतराल के लिए अपनी माँ से मिलने और फिर 1863 में जब उनकी माँ का निधन हुआ। महाराज की इच्छा थी कि निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार पंजाब में हो, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। उनका शव पेरिस से एल्विडन लाया गया और ईसाई तौर तरीके से दफनाया गया।